क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। बिछड़े हैं कल्प भर के प्यासे मिलन किस तब से, बच्चे बुला रहे मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हिदाता सादर पधारिए, आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्तिदाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण अंतकरण से कण कण, प्रभु आपको बुलाता सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना, धरती भी नगमे गाती अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हरेक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्तिदाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। अमेरिका में एक बहुत बड़ा पोएट कवि दार्शनिक फिलोसोफर बहुत पहले कवि होकर गया जॉर्ज संतयाना, वो था तो यूरोप का, जन्म यूरोप में हुआ था स्पेन में, परंतु सारा जीवन अमेरिका में बीता, बहुत उच्च पद पर था। पर एक दिन अचानक उसको लगा कि मुझे अपने गांव फिर वापस जाना है। जब 48 एज हुई थी उसकी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का त्याग कर वो यूरोप लौट गया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर।
और वो कवि था, और जब फेयरवेल फंक्शन हो रहा था और उसे भाषण देने के लिए कहा गया और वो उठा और भाषण दे ही रहा था कि बीच में रुक गया, खिड़की से देखा, एक फूल खिला हुआ है और वो भाषण बीच में बंद कर देता है और दरवाजे से जाकर वो फूल को निहारने लगता है। उससे पूछते हैं, ये क्या किया, ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है, मुझे निमंत्रण मिला है फूल से, कविता, जो मैं लिखता था और जो मैं बोलता था वो केवल बाहर की अभिव्यक्ति है, परंतु आज इट्स द इनविटेशन ऑफ अप्रैल, मुझे निमंत्रण मिला है और जब प्रकृति निमंत्रण दे तो मैं रुक नहीं सकता, जब सौंदर्य का निमंत्रण आ जाए तो मैं रुक नहीं सकता, जब संगीत का निमंत्रण आ जाए तो मैं रुक नहीं सकता। और यही वास्तव में जीवन है, ये जो कुछ हम करते हैं कई बार वो सब कुछ कृत्रिम होता है, केवल एक दिखावा, केवल एक धोखा, केवल एक ऊपर का कारोबार, ऊपर ऊपर से दिखावा, या फिर हम जो कुछ करते हैं वो अधिकतर दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, हम जो वास्तव में है वो खो जाता है। रिचुअल्स, सेरेमोनियल्स, रीति, रस्म, प्रथाएं, परंपरा, परिपाटी, बस इसी में खोए रहते हैं और उसी को निभाते रहते हैं जीवन भर कि यहाँ ऐसा होता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए बस, और जो हमने सीखा बस वही सिखाते हैं, कुछ नवीनता नहीं। जीवन का संगीत और जीवन का सौंदर्य कहीं कहीं खो जाता है, वो तभी आता है जब हम उस स्वरूप में स्थित होते हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, और हमारा वास्तविक स्वरूप है परमात्मा के समीप रहना, और जब जब हम उससे दूर जाते हैं तब तब आत्मा दुखी होती है। इसलिए हृदय से पुकार आत्मा की कौन सी है, परमात्मा को पुकारने की। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दाता, सादर पधारिए। कहाँ हो, कहाँ, हृदय में, दिल की वादी में तुम चले आओ, हृदय में आमंत्रण है। मम हृदय कंज निवास कर तू कामादि खलदल भंजनम, भक्ति में कहते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपालु जय, हृदय कंज निवास कर तू, कहाँ आया, आजा हृदय कंज में, क्योंकि वहां विकार है, कामादि खलदल भंजनम, अंदर आ कम। तो कल हमने देखा आदिदेव आदि पिता सृष्टि के प्रथम पुरुष का महाप्रयाण, कुछ तस्वीरें भी भेजी थी, सबने देखी होगी, बहुत पुरानी तस्वीरें हैं वो सारी जो भेजी थी कल, जिसमें पांडव भवन के वो सारे दृश्य हैं जो अभी देखने को नहीं मिल सकते, इतना खुला मैदान, कुछ भी नहीं था, बन रहा था और नाम सोच के रखा था, वो हॉल ही कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, वो जगह, वो ग्राउंड, सब कुछ ओपन, इतने सारे लोग खड़े हैं देख रहे हैं, कितना बड़ा हॉल ग्राउंड दिखता है। तो ये सब देखे होंगे कल जो भेजे थे ग्रुप्स में। तो सारा क्रियाक्रम 4 बजे तक शाम को पूरा हुआ, 21 तारीख को, 21 जनवरी 1969। और सती दादी ने कहा कि मना कर दिया, तो गुलजार दादी के तन में, संतरी दादी, गुलजार दादी के तन में प्रथम बाप दादा की प्रवेश था और दादी द्वारा प्रथम अव्यक्तवाणी, तो इस यज्ञ की ऑफिशियल फर्स्ट अव्यक्तवाणी जो चली वो कब चली, शाम को, कब, 21 जनवरी। सभी के मन में था इसमें क्या होगा, क्योंकि जैसे ही ये दादी ने खबर सबको सुनाई थी सब शॉक में चले गए थे, क्या क्या पूछ रहे थे, कौन बोल रहा है, पहले तो क्या कहा, कोई पूछ रहा था क्या कहा, किसी को लगा शायद बाबा परीक्षा ले रहे हैं हमारी, किसी को ऐसा भी लगा कि बाबा हमारी
परीक्षा ले रहे, फिर किसी को ऐसा भी लगा कि बाबा ऐसी परीक्षा थोड़ी लेंगे, पर किसी को और को ऐसा भी लगा कि शायद ये हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, तो उन्होंने दूसरे सेंटरों पर फोन करके कंफर्म की न्यूज। पर जो भी हो, भारत भर से सभी लोग जो जो साधन मिले, जैसे जैसे साधन मिले, जैसे जैसे साधन मिलते गए, तुरंत मधुबन में आना चालू हो गया। और समय बहुत ठंड का था और रहने के लिए जगह नहीं थी। इस चित्र में भी देख रहे होंगे आप, कल देखा होगा ना कैसे खड़े हैं। ये तो दिन का है, धूप का, बट पूरा वो ट्रेनिंग सेक्शन भरा है। ऊपर का कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है, दीवारें लग गई है, छत डालना बाकी था, और पूरा खुला मैदान है। तो बाप दादा की सबसे पहली अव्यक्त वाणी दादी के द्वारा चली, और इस अव्यक्त मुरली में क्या था, बहुत सारे डायरेक्शंस, आगे क्या होगा, आगे कैसे चलेगा, कौन कौन से पेपर आएंगे, कैसे कैसे पेपर आएंगे, नाव जो है यज्ञ की, क्रांति की नाव, खिवैया चला गया। सबको लगा अब क्या होगा, नाव डूब तो नहीं जाएगी। ये पेपर था किसका, निश्चय का। बहुत हलचल हुई, बहुत सारे प्रश्न उठे, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। इसलिए वो जो मुरली चली हिस्ट्री हॉल में, लबालब भरा हुआ हिस्ट्री हॉल, दादी संदली पर बैठी, हिस्ट्री हॉल के बाहर भी कितने भाई बहने बैठे, और सब छात्रकों के सुन रहे क्या क्या होगा, क्या नया सुनने को मिलेगा और कैसा होगा सब कुछ। इसलिए यज्ञ इतिहास की ये फर्स्ट अव्यक्तवाणी है, ऑफिशियल अव्यक्तवाणी। वैसे तो बाबा 19th को ही आ गए थे, 20 को भी आए, 21 को भी आए सुबह, वो संदेश थे, थोड़े थोड़े डायरेक्शंस तो वहां पर भी दिए होंगे, पर जो फर्स्ट अव्यक्त मुरली है वो ये है। और ये अव्यक्त मुरली केवल शिव बाबा के द्वारा नहीं है, हम दोनों के द्वारा है, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा पुरुषार्थ करते 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 33 सालों में संपूर्ण पावन बन गई, इस धराधाम को छोड़कर सूक्ष्म वतन चली गई। एक प्रश्न ये भी है, क्या ब्रह्मा ने संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पा लिया, हाँ या ना? 100% हाँ, परंतु कर्मातीत स्थिति की एक परिभाषा और भी है, और वो ये कि आत्मा अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करके साकार वतन को छोड़कर परम धाम में पहुंच जाना अर्थात कर्मातीत। तो कर्मातीत अर्थात परम धाम में पहुंच जाना, ये एक परिभाषा है। उस हिसाब से कोई भी कर्मातीत नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि कर्मातीत इस स्थिति की अलग अलग जगह पर अलग अलग परिभाषाएं दी गई। तो आज हम देखेंगे ये जो फर्स्ट अव्यक्तवाणी है 21 जनवरी 1969 की, इस पूरी अव्यक्तवाणी में डायरेक्शंस दिए गए। तो ऐसे हम 21 इशारे बाप दादा के कि आगे क्या क्या होगा, कैसे कैसे चलेगा, वो सब कुछ दिया हुआ है। और ये जो मुरली थी इसमें सभी के डाउट्स बहुत सारे क्लियर हुए, क्योंकि मन में संकल्प चालू थे ढेर सारे सबके, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हमको बताया क्यों नहीं, बाबा ने बताना तो चाहिए था, मुरली कहाँ से आएगी, अब वो मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे कौन कहेगा, ढेर सारे प्रश्न थे। ये निश्चय का भी पेपर था, जैसे वो छोटी बच्ची होती है ना, उसका कैसे निश्चय होता है, गांव में बारिश ही नहीं है कितने समय से, गांव के लोग कहते यज्ञ करना चाहिए गांव के बाहर, और पंडित जी और गांव के सारे लोग निकल पड़ते यज्ञ करने, और एक छोटी सी बच्ची भी निकल पड़ती है उनके साथ, तेज धूप चल रही है, वो अपना छाता लेकर निकलती है, लोग पूछते तुम छाता क्यों लेके जा रही हो इतनी धूप में तुमको छाता क्यों चाहिए, वो कहती हम यज्ञ करने जा रहे हैं ना, किस लिए, बारिश आएगी, तो बारिश आएगी तो छाता तो चाहिए ना, उसको विश्वास है, पर जो यज्ञ करने जा रहे हैं उनको विश्वास नहीं है, उनको आश्चर्य होगा कि हमने यज्ञ किया बारिश कैसे आ गई ये है निश्चय उनका, और ये है निश्चय उस बच्ची का। इसके लिए निश्चय अर्थात बच्चा नहीं, बच्चे जैसा बन जाना, बच्चों में जो निश्चय होता है
निश्चय होता है ना उनको, ये खाओ तो तुम ऐसे बन जाओगे, तुरंत खाता है। हमारे बचपन की एक स्टोरी है, हम जब बहुत ही छोटे थे, जो हमारे पिताजी हमको हमेशा सुनाते थे, वो कहते थे, मैं हमको तो याद नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं, एकदम ही छोटे होंगे, वो एक बार कहा कि तुम फटाफट तैयार हो जाओ, तो हम ना साइकिल पे जो डंडा होता है ना उसमें बिठा के तुमको ले जाएंगे, तुम अच्छे से सज जाओ ना, तुमको सब लोग देखेंगे। तो मम्मी ने पूरा सजा दिया और साइकिल के सीट पर हम बैठे और घुमा के आए, और जब घुमा के वापस आए तो हमने अपने पिताजी से कहा कि मुझे तो किसी ने देखा ही नहीं। तो ये कहानी हमको बचपन से पिताजी सुनाते हैं कि ऐसा हुआ था। तो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत बिलीव करते हैं उनको अगर कुछ बताया जाता है, और बड़े जो होते हैं वो तर्क वितर्क छल कपट प्रवेश हो जाता है। तो सबसे पहले महावाक्य बाबा के क्या थे, आते ही दादी के तन में, वैसे तो 21 इशारे हैं, पर सबसे पहले महावाक्य, सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना, जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। उलझन कहाँ है, व्यक्त में। उलझन कहाँ है, नीचे। झगड़े कहाँ है, नीचे। जैसे जैसे ऊपर उठते जाओ झगड़े समाप्त। व्यक्त में कंफ्यूजन, अव्यक्त में कोई कंफ्यूजन नहीं है। व्यक्त में प्रश्न ही प्रश्न है, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आज बाबा मैं उत्तर लेके रहूंगी आपसे, बताओ आखिर सब लोग मेरे खिलाफ ही क्यों, आप सब लोग मेरे पीछे पड़े हाथ धोके। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है, डगमग होने की जरूरत नहीं है। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई, आप जब शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय पत्र लिखाते थे ना, ये निश्चय पत्र लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तो भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। वह निश्चय पत्र याद है, निश्चय कैसा हो, पावरफुल। अगर ब्रह्मा आके आज सबसे कह दे कि मेरे तन में भगवान नहीं आता है तो क्या करोगे, अच्छा स्वयं भगवान ब्रह्मा कहे, हम क्या कहेंगे वो आके खुद कह दे अचानक एक दिन मेरे तन में तो नहीं आता, फिर हम कहेंगे तुम कहो या जो कहना है कहो, तुम्हारे ही तन में आता है। क्योंकि हमने अनुभव किया है, देखा है, पालना दी है। आपकी मम्मा भी क्या कहती थी कि सारे आधार टूटने हैं, केवल बाप का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना, निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं है। तो ऐसी ये मुरली थी। तो अब हम आते हैं मुख्य डायरेक्शंस। तो इस मुरली में टोटल कितने डायरेक्शंस थे, 21, याद रखना, क्लास पूरी होने के बाद फिर पूछेंगे। सबसे पहला डायरेक्शन, क्लास जैसी चलती है वैसी ही चलेगी। सबसे पहला ब्रह्मा बाब चले गए, परंतु अभी ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन बन रहा है आज वर्तमान में, जिस तरह से यज्ञ चल रहा है, जिस तरह से सेंटर्स चल रहे हैं, जिस तरह बहने सेंटर्स को संभाल रही है। ब्रह्मा चला गया अचानक, सबके लिए शौक था, सदमा था एक। और डायरेक्शंस क्या है, सबसे पहला क्लास का, तो मुरली क्लास सेंटरों पर जैसी चलती है, जितने बजे चलती है वैसी ही चालू रहेगी। ये नहीं समझना ब्रह्मा चला गया अब क्लास, ये उस समय की बात है 69 की, तो क्लास चालू रहेगी। सबके मन में प्रश्न था ना, अब मुरली कहां से आएगी, अब हमारा क्या होगा। इसमें दूसरी एक और चीज भी है, जो चीज नहीं होती है ना उसके ज्यादा संकल्प चलते हैं लोगों के, जो चीज है उसके नहीं चलते, जो चीज नहीं है वही चाहिए। अगर आज की मुरली नहीं मिली, बेचैनी आ जाती आज की मुरली, आज की, किसी को कहो ये कल की पढ़ो, देखने की भी इच्छा नहीं है कल की, तो आज की चाहिए। कल की पढ़ी थी क्या, हाँ हो गया ना, सुन ली थी, सब कर लिया उसका। तीन शरारती, एक दो तीन बच्चे होते हैं स्कूल में शरारती, वो सोचते हैं स्कूल में छुट्टी चाहिए हमको, क्या करे, कैसे छुट्टी हो। तो एक युक्ति करते हैं,
स्कूल जब पूरी हो जाती है ना, तो स्कूल में कैंपस में 3 बकरियों को पकड़ के लाते और स्कूल के कैंपस में छोड़ देते हैं। स्कूल कैंपस बंद हो जाता है उसके पहले। एक बकरी पर हेडिंग डालते हैं नंबर 1 लिख के, एक बोर्ड बनाते हैं गले में टंगाते थे, नंबर 2, और चौथी में डालते हैं नंबर 4। दूसरे दिन स्कूल चालू होती है तो स्कूल में टीचर्स बच्चे देखते हैं ये 3 बकरियां कहाँ घूम रही है, पर देखते हैं 1, 2 और 4, 3 तो है नहीं, बकरियों से कोई लेना देना नहीं है, पर 3 नंबर की बकरी ढूंढने के पीछे सब लग जाते हैं। 3 नंबर की बकरी कहाँ है, बकरी नंबर 3, और ढूंढते ढूंढते स्कूल पूरी हो जाती है, योजना सफल, छुट्टी मिल गई। तो सारा जीवन मनुष्य का बकरी नंबर 3 की खोज है जो नहीं है। अरे जो बकरी 1, 2, 4 उसका कोई मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए, जो नहीं है। घर बना दिया, सब कुछ बना दिया, पर बाजू के यहाँ पे कार है, वो कार हमको चाहिए बस। सेंटर बना दिया, सब बना दिया, अच्छा बन गया, पर वहां रिट्रीट है, वो बनाना है। सारी बेचैनी किस लिए है, जो नहीं है वो लाने के लिए। साइकिल थी तो कितने खुश थे। किसी ने कहा था, याद करते हैं वो दिन जब टायर ट्यूब चलाते थे कितने खुश थे, अब तो यूट्यूब चलाते हैं तो दुखी है चलाते थे ना टायर और ट्यूब तो सारी खोज किसकी रहती है, बकरी नंबर 3 की, जो नहीं है। साइकिल थे तो बहुत खुश थे, बाद में थोड़ी बार देखा कि बाजू में स्कूटर आ गई है, दुख चालू हो गया, हमें भी स्कूटर चाहिए। फिर स्कूटर आ गई, अब खुश हो गए, सब ठीक है अभी, पर वहां तो कार आ गई, तो स्कूटर का क्या मतलब है, खटारा कौन चलाएगा, हमको तो कार चाहिए, बेचैनी, फिर सब करो, कमाई करो, डबल पैसा कमाओ, कार आ गई, अभी सब ठीक है, पर वहां एसी वाली कार आ गई, ये भी कोई कार है इतनी गर्मी, फिर एसी वाली कार आ गई, पर ये पुराना मॉडल, वहां नया मॉडल आ गया है, उस नए मॉडल के आगे तो आज तक जिस कार में इतना अच्छे से घूम रहे थे वो बैलगाड़ी जैसे दिखने लगी, अब ये नहीं चाहिए वो चाहिए, बैल अभी वो कार आ गई, पर वहां तो हेलीकॉप्टर आ गया, अब वो चाहिए। अंतहीन खोज है बकरी नंबर 3। तो सबसे पहला इशारा, जो क्लास चलती है वैसी ही चलेगी, और सेंटर निवासियों के लिए एक है कमरे में बैठ के मुरली सुनना, घर पे बैठ के मुरली सुनना, एक है कार चलाते चलाते ऑन कर देना, एक है मोबाइल पर सुनना, एक है सेवा केंद्र में जाकर सुनना। कौन सा अच्छा है, क्यों क्यों क्यों, ये सेवा केंद्र क्या है, मधुबन, मधुबन का प्रतिबिंब है। सेवा केंद्र क्या है, मिनी मधुबन है। सेवा केंद्र में कौन रहता है, बाबा तो है और कौन है, कौन है ये बहने, कौन है, किसने निमित्त बनाया है उनको, एक ब्रह्मा कुमारी बहन इधर और संसार की सारी स्त्रियां इधर, कौन है वो। वो चाहती थी संसार में बहुत कुछ कर सकती थी, वो चाहती तो वो भी संसारिक जीवन जी सकती थी, वो चाहती तो पढ़ के लिख के जॉब करके पैसा कमा के अपनी घर गृहस्थी बना सकती थी। भक्त मंदिरों में जिसकी पूजा कर रहे हैं, वो आदिशक्ति, वो आदि देवी, वो दुर्गा, वो काली, वो सरस्वती, वो अष्टभुजाधारी, वो शिव की अर्धांगिनी, वो शिव की शिवा है। निमित्त उसको किसने बनाया और किसने बिठाया वहां पर। वर्तमान में हर एक पुरुषार्थी है, हर एक की अपनी कमी कमजोरी है, पर वो सब होते हुए भी ये संसार की चुनी हुई आत्मा है, बाल ब्रह्मचारिणी। संसार वासनाओं की चक्की में पिसा जा रहा है, और ऐसे संसार में इन्होंने ये ईश्वरीय जीवन को चुना, और अपने सर्वस्व को, अपने जीवन को, अपने यौवन को ईश्वरीय बलिवेदी पर समर्पित किया। इनसे ऊपर संसार में और कोई नहीं। तो सेवा केंद्र पर क्यों जाना है, मंदिरों में क्यों जाते, देवियों के दर्शन के लिए, और क्यों जाना है, क्योंकि जब वहां जाते हैं तो एक स्थान पर बैठते हैं, एक स्थान पर बैठने के अभ्यास करने के लिए, क्योंकि वहां बैठकर ही मन एकाग्र होता है। घर पे रहोगे तो 5-5 मिनट में उठोगे,
खिड़की से देखूं कौन आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, किचन में जाके कुछ खा के हूँ, वहाँ के दैवी प्रकंपन और संगठन का बल। इसके लिए मुरली क्लास में जाकर ही सुनना है, सुबह नहीं जा सकते, दोपहर को जाओ, दोपहर को नहीं जा सकते। जहाँ कुछ कुछ सेंटर पर दोपहर पर भी मुरली चलती है, कई कई 5-6 बार मुरलियाँ चलती है। जो नहीं जा सकते शाम को जाओ, माताओं के लिए खास मुरलियाँ चलती है अलग अलग समय पर। तो लक्ष्य रखना है कि सेवा केंद्र पर जाकर ही मुरली सुननी है, ठीक है। तो सबसे पहला डायरेक्शन बाबा का क्या था, मुरली, जैसी चलती है वैसी ही चलेगी। दूसरा डायरेक्शन, जो ब्रह्मा का तन मुकरर है उस, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है। जो ब्रह्मा के तन में आकर भगवान सुनाता है वही मुरली है। इधर बाबा आया है, उधर बाबा आया है, उधर बाबा आया है, नए नए बाबा इधर उधर प्रवेश कर रहे हैं। प्रतिदिन बाबाओं की बाढ़ आई है और नई नई बातें सुनने को मिलती है। जो इधर 30 साल से था अभी उधर है, और उधर से खत भी आता है कि हमें तो पूर्ण निश्चय है, हमें तो बाबा मिल गया, आपको हमने बता दिया, देखो आना है तो आओ, नहीं तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। हमें तो पूर्ण निश्चय है, ये बाबा ही है। मैसेज है हमारे पास 2-3 लोगों, आना है तो आ जाओ, ये बाबा ही है और हमने तो पूरा अनुभव कर लिया है। वही आवाज, वही अनुभूति जो डायमंड हॉल में नहीं पाया अभी यहाँ पा रहे हैं। डायमंड हॉल में वहां पर्सनल नहीं मिल सकते थे स्टेज पर, अभी तो एकदम डांस रास सब चल रहा है। और भगवान क्या कहता है, जो ब्रह्मा तन द्वारा मुकर्रर है मुरली, बस वही मुरली है। ब्रह्मा ही एकमात्र निमित्त है और कोई नहीं। वो कहते हैं पहला रथ ब्रह्मा, दूसरा गुलजार दादी है, हमारा तीसरा है। और वो कहते हैं कि वहां तो आता है जाता है, हमारे इसमें परमानेंट रहता है। वो कहते हैं वो ब्रह्मा जो है ना वो फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा आगे का पार्ट है, शंकर का यहाँ चालू है, इसमें वो परमानेंट रहता है। परमानेंट रहता है तो मुरली से दुखाओ, मुरली तो है नहीं, मुरली यहीं से, वो ही ब्रह्मा वाली। और वो खुद को क्या कहते हैं, ये तुम्हारा बेसिक कोर्स है, हमारा क्या है एडवांस कोर्स, एडवांस पार्टी है, इसको कहा जाता है एडवांस पार्टी, ये है बेसिक। उनके जीवन का परम लक्ष्य एक ही है, चाहे मार खाना पड़े, सहन करना पड़े, कलंकीधर बनना पड़े, परंतु बीके का कल्याण करके रहेंगे। उनका लक्ष्य संसार नहीं है, उनका लक्ष्य क्या है, बीके परिवार। ओम शांति भवन की स्टेज पर जिन्होंने प्रोग्राम्स किए, डांस किया, वो भी आज यहाँ नहीं है, वो भी उधर चले गए हैं। यही तो निश्चय की परीक्षा है। और अभी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी निकल पड़ी है, स्प्लिंटर ग्रुप्स कहते हैं इनको, स्प्लिंटर ग्रुप्स, विष्णु पार्टी, शंकर पार्टी और बहुत सारी पार्टी है, ढेर सारी पार्टियाँ आती रहेगी जाती रहेगी। बाबा को भी पूछा गया इनके बारे में, बाबा का उत्तर था मौन, कुछ नहीं। तो दूसरा डायरेक्शन ब्रह्मा ही मुकरर। तीसरा डायरेक्शन, और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उसको मुरली नहीं कहेंगे, उसमें मुरली का जादू नहीं है, बाप दादा की ही मुरली में मुरली का जादू है। दूसरी जो बहने हैं संदेशिया, वो संदेशिया है, वो उनके द्वारा जो चलाया जाता है वो मुरली नहीं है, मुरली केवल बाप दादा के द्वारा जो चलाई गई वही मुरली है। इसके लिए कंफ्यूजन ना हो, इसके द्वारा उसके द्वारा, ये थर्ड डायरेक्शन। तो पहला क्लास, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा संदेशी, चौथा, इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी है वह अभी रिवाइज करनी है। क्या करना है, जो मुरलियां चली है वो रिवाइज करनी है। इसी मुरली में बाबा ने कहीं और कहा है, पुरानी मुरलियां याद है क्या, अरे कल को जो चली वो भी तुमको याद नहीं होगी। समय पर ज्ञान याद आ जाना अर्थात तीव्र पुरुषार्थ, यह तीव्र पुरुषार्थ की प्रथम परिभाषा यज्ञ इतिहास में, समय पर ज्ञान याद आ जाना यही है तीव्र पुरुषार्थ। इस डेफिनेशन को याद रखना है, ज्ञान तो बहुत है पर कब याद आता है, परिस्थिति जाने के बाद, एकांत में जब अमृत वेला बैठते हैं तो आह कितना अच्छा लगता है, मैं सहनशीलता की मूर्ति हूं, मैं सहनशीलता की देवी हूं। और कल क्या हो गया था, फिर तो सारी मुरलियां क्या करनी है, रिवाइज। टोटल मुरलियां है 1068
अव्यक्त मूल्य टोटल कहां से कहां तक, 69 से लेकर तो 2017-18 के बीच तक सारी मूल्य मिला के, क्या ये सारी मूल्य रिवाइज हो गई है? जिसकी जिसकी हुई हाथ खड़ा करो, हुई है किसकी? दो तीन लोग हैं, पढ़ के तो हो कम से कम एक बार, कितना बड़ा काम है। अब इतना बड़ा काम करना है और हमारा टाइम जा रहा है व्यर्थ में, इंटरनेट मोबाइल बातें करना चिट चैट, जो इतना गंभीर कार्य बाकी है, इतनी सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़नी बाकी है, और फिर पेपर आएगा और हम कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस, बाबा ये क्या कर दिया, ये कहां से आ गया, ऐसा भी होता है क्या? बाबा कहेंगे रेफर मुरली नंबर फला फला डेट 1977, मैंने पहले ही कह चुका हूं तुमने एडमिशन लेट लिए, जनवरी में स्कूल चालू हो गई, जुलाई में स्कूल में आ रहे हो, दिसंबर में एग्जाम है, और फिर एग्जाम में प्रश्न आता है कहता हूं ये कहां से आ गया, वो फरवरी का प्रश्न है, पढ़ो जो कुछ आने से पहले हुआ। तो आज से महाप्रोजेक्ट, कौन सा महाप्रोजेक्ट? सारी अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन, रोज एक एक मुरली का अध्ययन करेंगे तो कहीं जाके ये हो सकता है। कितना टाइम लगा? रोज एक में भी नहीं होता है चलो एक साल का, आज की तारीख क्या है, 4 मई 4/5/22, तो आशिक बन जाओ, आशिक 2022। आज से टाइटल आशिक 2022। किसके आशिक पर? मुरलियों के आशिक। प्यार किससे करना है? मुरलियों के प्यार, एक एक, मेरी कोई भी मुरली रहनी नहीं चाहिए, बस यही लगन लग जाए। दादी को कैसी लगन लग गई थी, मैं इतना लेट आ गई, 2 साल लेट आ गई, यज्ञ 36 में स्टार्ट हो गया, मैं 38 में आई कराची में, मुझे पता ही नहीं उधर हैदराबाद में क्या हुआ। चिंता हो गई दादी को एकदम कि ये सब बहने मेरे से आगे चली गई, मैं क्या करूं। बाबा ने कहा 10 बार पढ़ो, बाबा उसने दादी ने पूछा 20 बार पढ़ू तो हम भी लेट आ चुके हैं, टाइम बहुत कम है स्टार्ट, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़नी है। तो बाबा का चौथा डायरेक्शन क्या है, जो मुरलियां चल चुकी है उनको रिवाइज करना है। पांचवा, जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य केंद्र, मुख्य सेवा केंद्र पर बाबू से पोस्ट जाती रहेगी, पोस्ट जैसे जाती थी वैसे ही पोस्ट आज तक भी आ रही है। अगला छठवा ये है, क्या आपको एक वर्ष पहले जो मुरली चली वह याद है? कल जो पढ़ी वह भी याद नहीं होगी, कई पॉइंट्स ऐसी है जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरते, इसलिए मुरली और पत्र का जैसा कनेक्शन होता है वैसा ही होगा। ये डायरेक्शन क्या है, मुरली और पत्र का जो कनेक्शन था वो कनेक्शन वैसा ही रहेगा, मधुबन से मुरलियां आती रहेगी, पत्र आते रहेंगे, पत्र आते रहता है, पत्र पुष्प, कितने लोग पढ़ते हैं पत्र पुष्प? बहुत कम। कितने लोग ज्ञानामृत मैगजीन पढ़ते हैं? बहुत कम, ये थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं। लक्ष्य रखना है हर महीने की 5 तारीख के अंदर, टारगेट चाहिए, ऐसे नहीं कि हम पढ़ लेंगे, कहाँ पढ़ लेंगे, तारीख चाहिए, डेडलाइन चाहिए रहती है। 5 थोड़ा कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया तो ज्यादा कर देते, हर महीने की 10 तारीख के अंदर उस मास का कंप्लीट ज्ञानामृत पढ़ के होना चाहिए, ठीक, कभी कभी 10। अच्छा सॉफ्ट कॉपी तो आ जाती है पर माताओं को सॉफ्ट कॉपी है थोड़ा कम समझ में आता है, छोड़ दो तो 15 तारीख ले लो, 15 ठीक है 15 तारीख के अंदर 11 ज्ञानामृत हर एक का पढ़ के हो जाना चाहिए, एक लाइन भी नहीं छूटनी चाहिए, सभी के लिए, मधुबन निवासी सब, किसी का भी अनुभव, किसी का भी, अभी अभी ज्ञान में आया वो, 6 मास हुए है वो, 40 साल वाले को सिखा सकता है कोई नई पॉइंट, क्योंकि अनुभव थोड़ी ना, अनुभव है, किसी का भी हो सकता है। तो ज्ञानामृत और दूसरा बताया पत्र पुष्प, कब तक? हर मास की 15 तारीख के अंदर, जब ऐसा मन को टारगेट दे दिया तो वेस्ट नहीं करेंगे बैठ के, हाँ और सुनाओ कैसा चल रहा है आज, भालू मिला क्या, और सुनाओ उधर कैसी गर्मी कैसी चल रही है, और बताओ आज क्या बन रहा है शाम को भोग में नो टाइम फॉर ऑल दिस। तो ये कनेक्शन सेम रहेगा। सातवा, जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे, क्या करें किसने मिलने आवे, तो मधुबन में आते रहना, ये सिस्टम तभी से चालू हो गई, तो मधुबन में आते रहना। कई भाई बहने हैं 5-5 साल हो गए मधुबन आए नहीं है, 5 साल के बाद कौन आ रहा है अभी, हाथ खड़ा करेंगे, कहाँ थे 5 साल, भूल गए थे बाप को, कैसे आना चाहिए। निखिलेश भाई किधर है, निखिलेश भाई
नहीं नहीं कैसे आना चाहिए, बाप आया तो कैसे आना चाहिए, कैसे, जैसे कोई पत्नी उसका पति छोड़ के कहता है बावरी भागती है वो गलियों से, जैसे उसको पता चलता है मेरा पति आया, मुरलियों में आया नहीं, वैसे भाग भाग के दौड़ दौड़ से, अरे बाप आया है, तुमको नशा नहीं चढ़ रहा है, बावरा होके निकलना चाहिए, कहाँ है। तो मधुबन में रिफ्रेश होते होने के लिए आते रहना है। कई भाई बहनों ने आना ही बंद कर दिया, आते रहना। कई इसलिए नहीं आते, जगह नहीं मिलती वहां पर, कई इसलिए नहीं आते, एकोमोडेशन हमको जैसा चाहिए वैसा मिलता नहीं, सुविधा सुविधा अनुसार हमारा सब अच्छे से होना चाहिए, इसलिए आना ही छोड़ दिया लोगों ने। वो उस समय कैसे रहती थी बहने और कैसे आते थे लोग, कुछ भी नहीं था तब तो, हजार लोग कैसे रुके होंगे और कहाँ रुके होंगे। कोई ये सोच के आया था कि मेरा अच्छे से सेपरेट रूम मुझे मिलना चाहिए, सेपरेट बाथरूम मुझे मिलना चाहिए, मेरा बाहर नहीं लेके आते थे मेरा नाश्ता ठीक से होना चाहिए, किसको नाश्ते की खबर, कुछ खबर नहीं थी, बस आ गए वाह 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 वाह। भक्ति में जाते कुंभ मेले में क्या रहता है वहां पे, कौन सी अरेंजमेंट होती है, धक्के खाते हैं केवल, यहाँ पर फिर भी सब कुछ है अभी। तो मधुबन में आना बंद नहीं करना है, जब भी मौका मिले आ जाओ, जब भी अवसर मिले आ जाओ, ना तो बोलना ही नहीं, चलोगे क्या, हाँ उतावले रहना ऐसे। तो पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, जो लकी सितारे हैं अर्थात जो निमित्त मुख्य है उसके साथ पूरा प्रबंध जोड़कर, जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्या है, जो भी सेवा केंद्र की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं, संगठन का साक्षात्कार, तो जो जो नए जो बच्चे आते रहते हैं उनका संबंध, उनको जोड़ के रखना है, अर्थात स्नेह मिलन होते रहे सेवा केंद्र पर, सेवा केंद्र पर बार बार ऐसे मिलन करते रहना है कि जिसमें सब नए बच्चों की पालना होती रहे, जो नए आते रहे, तो पालना केवल बहनें नहीं करेंगी, जिन्होंने पालना ली है उस सबको दूसरों की पालना करनी है, जो अभी अभी ज्ञान में आया है, और हम 10 दिन से है वो आज के दिन का है, हम सीनियर हो गए ना 9 दिन, तो पालना तो करनी पड़ेगी ना, तो सबकी पालना करनी है, जो भी हमारे बाद में आए हुए, जो पालना मुझे मिली है, जो प्यार मुझे मिला है, वही प्यार मुझे इन सबको देना है। 8 नंबर, 9 नंबर, 7 ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशियों द्वारा पूरी सेवा करेंगे, बाबा बीच बीच में आते रहेंगे, तो बाबा ने यह निश्चिंत कर दिया कि मेरा आना चालू रहेगा, तो उस तरह वो पाठ चालू हो गया 15-15 दिन में। पहले तो एक एक दिन में 69 में टोटल कितनी मुरलियां, चलिए गिनो जरा, ओनली 69 में, 69 हाँ जनवरी से दिसंबर तक, एक मास में 40 से भी ज्यादा मुरलियां है टोटल मुरलियां एक ही मास में, मतलब एक एक दिन छोड़ के 41, हाँ श्योर, तो रोज ही आते थे, फिर बाद में एक एक दिन छोड़ के, हाँ इसी इसकी दो है सुबह और शाम वाली, तो कितनी सारा, मतलब बाबा ने ये प्रोग्राम दे दिया कि मैं आते रहूंगा। अगला 10वां, अभी और कोई प्रश्न है, कई सोचते ब्रह्मा तो कहते थे 100 साल जिएगा, 100 साल तो हुए नहीं, तो फिर स्थापना का पाठ 100 साल का है और ब्रह्मा की उम्र भी लगभग 100 साल की ही थी, इसलिए ये प्रश्न। 10वां, 11वां, ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे, क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं, क्या आपको अब काम पर जिम्मेदारी का ताज नहीं देंगे, तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मा ने सबको क्या दे दिया है, जिम्मेदारी का ताज दे दिया। 12वीं पॉइंट, अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नजदीक है, तो क्या करना है, हर एक को खुद को देखो और खुद में जो कमी है उसको भरे, क्या करना है, अपने अंदर की जो कमी है, और बहुत सारी बातें आप ये मुरली जाकर पढ़ सकते हैं, वो अंदर की कमियों को भरना है। यह है 12वां। फिर 13, 2 लोगों को निमित्त बनाया बाबा ने, किसको, दीदी तो है साथ में कुमार का मददगार है, तो यज्ञ का फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा, उसके बाद में दीदी और दादी कुमार का, कुमार का दादी इतनी कम उम्र में, 48 एज है दादी की, जो इतने बड़े संगठन की हेड बनी है, दादी को भी लग नहीं रहा था ये मैं कैसे कर पाऊंगी, बट एक साल के अंदर दादी ने कहा, एकदम जैसे कि बाबा ने निमित्त बना दिया तो वो कॉन्फिडेंस आ गया कि ये ईश्वरीय कार्य है, अपने आप होगा। तो 14th,
जैसी लिखा पढ़ी मधुबन से चलती थी हेडक्वार्टर से वैसी ही चालू रहेगी। ये डायरेक्शन से इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगी उसकी 14th 15th अगर किसी सेवा केंद्र में कुछ आवश्यकता हो तो दीदी दादी क्या करेगी, चक्कर लगाते रहेगी। 15th पॉइंट 16th पॉइंट एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आना है। ये धारणा की पॉइंट बताई, क्या करना है, एक मत रहना है। संगठन है किसी भी सेवा केंद्र पर, गुटबाजी नहीं करनी है, अपना ग्रुप बनाते हैं, कुमार अपना, कुमारी अपनी, माता अपनी, और क्या करते हैं, निमित्त जो आत्मा है उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उसके खिलाफ बोलने लगते हैं, ये बहन जी ऐसी है, बहन जी वैसी है, ये वह करती है, वो ये करती है, ये भगवान का के आज्ञा के खिलाफ है। ये भूलना मत बाबा का वाहक वाक्य, अपनी डायरी में नोट करके रखो। कौन सा वाक्य? मेरे निमित्त मेरे मुरब्बी बच्चों का अगर कोई अपमान करता है तो बाप दादा सहन नहीं कर सकते, मैं सहन नहीं कर सकता। तो जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया है उन निमित्त आत्माओं के खिलाफ हमारे मुख से एक शब्द भी निकलता है तो उसका पति बैठा है ऊपर उसका पति बैठा है, शिव की अर्धांगिनी है वो, शिव दंडा लेके बैठा है। मेरे खिलाफ कुछ बोल दिया वो तो चलेगा, वो सहन कर लेता है वो, पर मेरी अर्धांगिनी वो उससे सहन नहीं होता है। 16th उसके बाद में 17th में शॉर्ट में बता रहे हैं दो बातें हैं। बाबा ने दो नियम बताई थी, एक अपने डगमग नहीं होने का दान करो और किसी के भी अवगुण नहीं देखना है हमको, ये दान दे दो आज बाबा को, चाहे कोई कैसा भी हो हमें उसके अवगुण देखने ही नहीं है, अपने अंदर वो निगेटिविटी लानी ही नहीं है, वो जो हो जैसा हो बाबा उसका हिसाब करेगा, मुझे नहीं करना है। और दूसरा स्थिति डगमग ना होना, इसका दान कर दो, ये दो चीजों का दान। 17th पॉइंट 18th पॉइंट लास्ट मुरली में जो ध्यान दीदार है, अब इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है इसकी तरफ। इच्छा होती है ना मैं ध्यान में जाऊं, बाबा मेरी रस्सी खींचो, मुझे भी देखना है परमधाम, सतयुग, सूक्ष्म वतन, विनाश, मुझे अपने पूर्व जन्मों का देखना है, मैं क्या बनने वाला हूं। बाबा ने कहा यह सब टाइम वेस्ट है, ध्यान दीदार। 18th 19th अब निरंतर याद की यात्रा पर रहना है और निरंतर जो शिक्षा मिली उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। पॉइंट नंबर 20 स्नेह की निशानी केवल दो आंसू बहाना स्नेह की निशानी नहीं है, सबूत देना है, यह है स्नेह की निशानी। और लास्ट पॉइंट 21वीं इसलिए समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा की यह रसम है। अब छुट्टी लेकर नहीं गए तो ड्रामा में जो भी जाएगा अचानक जाएगा, छुट्टी लेकर नहीं जाएगा। तो ऐसी 21 पॉइंट है। आज सारे दिन में जब भी समय मिले एक बार ये मुरली को रिवाइज करना है अपने मन में। और कैसे रिवाइज करना है, सबसे पहले स्थित हो जाना और पहुंच जाना टाइम ट्रेवल, कब पहुंच जाना 68 में, अपने आप को कहां देखना, मैं कहां बैठा हूं 69 में, कहां बैठना, मैं कहां बैठा हूं हिस्ट्री हॉल में, अभी अभी बाबा ने शरीर छोड़ा है 2-3 दिन पहले, और दादी गुलजार सामने बैठी है, उस तन में पहली बार अव्यक्त बाप दादा आए और मैं ये मुरली सुन रहा हूं, ये भाव दशा, ये बैकग्राउंड क्रिएट करना है माइंड में और फिर मुरली सुनना है। हिस्ट्री हॉल में जाके सोचो, बैठो और सोचो ये वो दिन है फर्स्ट मुरली का, इमेजिन करो, विजुलाइज करो, कालखंड में प्रवेश करो तो देखो कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के तब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता सागर पधारिए, सागर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल हृदय कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना, धरती भी नगमे गाती अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के साग भरने हर एक दाग, हर ही तुम्हें बुलाता सागर पधारिए, सागर पधारिए।